Hey guys, welcome to my channel. मेरा नाम ज्योति है और स्वागत है सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर. Happy summer to all of you. Summer season में मिलने वाला mango अब बहुत ही आसानी से मस्त रसीले मीठे मैंगो बाजार में आ गए हैं और आसानी से मिलने लगे हैं. तो चलिए, मैंगो से हम तो बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज बनाते हैं, मैंने अपलोड भी की है. तो चलिए, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मैंगो से बनने वाली मैंगो फिरनी. जी हाँ, मैंगो फिरनी. बहुत से लोगों को मालूम नहीं है वॉट इज़ फिरनी. सो फिरनी इज अ थिक एंड क्रीमी पुडिंग मेड फ्रॉम ग्राउंड राइस. जी हाँ, पके हुए चावल को पीसकर बनाई जाती है फिरनी. खीर और फिरनी में क्या फ़र्क होता है आप सोचेंगे, तो खीर हम बनाते हैं भिगोए हुए चावल से और फिरनी हम बनाते हैं पके हुए चावल को पीसकर मस्त उसका एक घोल बनाकर. तो चलिए, प्यारे प्यारे मीठे आम देखिए आप. तो सिर्फ एक आम से मैं बनाने वाली हूँ एक ग्लास फिरनी. स्वीट कूल मस्त क्रीमी पुडिंग कहते हैं जिसे. तो मैंगो से बनने वाला है हमारा प्यारा प्यारा स्वीट डेजर्ट. जी हाँ, बहुत ही यम्मी और हेल्दी. तो देखिए, मस्त ऑरेंज कलर का निकला है, एकदम से रसीला और मीठा है ये आम. तो इसे इस तरह से मैं काट लेती हूँ. एक उपयुक्त टिप्स बताती हूँ, जब भी आप आम जो है उसको एक बार काट लेंगे तो काटने के तुरंत बाद आप उसे फ्रिज में रख दीजिए, या उसका पेस्ट बनाया है या मिल्कशेक बनाया है, जो भी है आपको तुरंत नहीं पीना है तो फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि बाहर रखें तो वो काला पड़ जाता है जिससे ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है. तो इसीलिए हमें इसे काटने के बाद अब जब हम बनाने वाले हैं पिसे हुए चावल से उसका बेस, तब तक हम इसे काट लेंगे और इसे रख देंगे फ्रिज में. तो जो आम जो होता है उसके औषधि गुणधर्म तो मैंने मैंगो मिल्कशेक के वीडियो में बताए हैं, आपको ज़रूर देखिए. और ये जो है एक कटोरी पका हुआ चावल मैंने लिया है, कौन सा भी चावल ले सकते हैं आप, आपके पास घर में जो अवेलेबल है वो. तो सिर्फ एक कटोरी चावल, लगभग 2-3 टेबलस्पून इससे पेस्ट बनेगी. तो चलिए, इसे मैंने मिक्सी जार में डाल लिया है और इसे पीसने के लिए हम थोड़ा दूध ही यूज़ करेंगे. 2-3 टेबलस्पून इसमें हम दूध डाल देते हैं. तो इससे एक प्यारा सा हम घोल बना लेंगे जो हमारा मेन बेस रहता है. तो बस सिर्फ 1 मिनट लगता है पीसने में और इसे हम पीस लेंगे. तो इस रेसिपी में ज़रूरी है तो मिल्क से अपलोडेड मेरे पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो को आप ज़रूर देखिए, जिसमें गाय के दूध का महत्व, भैंस के दूध का महत्व मैंने आपको बताया है. तो देखिए, हमारा तैयार हो गया है यम्मी यम्मी प्यारा सा घोल पके हुए चावल का. ये जो रेसिपी है इसे बच्चे भी बहुत ही, जिन बच्चों को अभी तक दांत नहीं निकले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 1-2 साल के उम्र के बच्चे, 0 से 1 ईयर के बच्चे, उनको भी आप ये खिला सकते हैं. बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब के लिए बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद ये डिश बनने वाली है. विटामिन रिच एकदम से, इसमें विटामिन, प्रोटीन और कैल्शियम होते हैं जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं. तो चलिए, देखिए, फ्रिज में रख दिया था मैंने तो ठंडा हो चुका है मस्त. ये इसका भी हम मैंगो का एक पेस्ट बना लेंगे और उस पेस्ट को भी तुरंत फ्रिज में रख देंगे. जब हमें ग्लास प्रेजेंट करना है, सर्व करना है, तब हम इसे मिक्स करेंगे हमारे प्यारी सी फिरनी में. जी हाँ, तो तैयार है हमारी ये मैंगो की पेस्ट. और आम जो होते हैं उनमें क्या क्या औषधि गुणधर्म होते हैं इसके बारे में भी मैंने मैंगो मिल्कशेक के वीडियो में बताया है, आप ज़रूर देखिए. फिर भी एक बार बता देती हूँ कि मैंगो जो होता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक होता है, हमारी पाचन क्रिया में सुधार लाने के लिए सहायक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें. तो चलिए, अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है. कढ़ाई में मैंने ये होममेड घी जो है, 2 टेबलस्पून घी हमें लेना है. तो इस तरह से घी में ये डिश बनने वाली है, एकदम सी हेल्दी, बढ़िया सी खुशबू आ रही है होममेड घी की. तो इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास दूध, क्योंकि मैं 1 गिलास की मात्रा में बनाने वाली हूँ. आपको जिस मात्रा में बनानी है उतना दूध आप लेंगे, तो फिर उस हिसाब से आपको मैंगो की पेस्ट और चीनी की मात्रा बढ़ानी है. तो इसमें मैंने 1 गिलास दूध लिया है और इसमें मैं 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करूँगी. तो बहुत ही हेल्दी हमारी ये स्वीट रेसिपी मैंगो से बनने वाली. तो 2 टेबलस्पून चीनी मैंने इसमें डाल दी है,
मीडियम फ्लेम पे ही हमें रखना है गैस, बहुत ही कम समय में बन जाता है। आप बना के इसे फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा ही यूज़ करने वाले हैं खाने के लिए, तो बस कभी भी बना के लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। ये जो है ये हमारा फिरनी का मेन बेस बन रहा है। तो ये पिसे हुए चावल का घोल पके हुए, तो एकदम से सब नहीं डाल देना है, बस दो टेबलस्पून में यूज़ करने वाली हूँ। तो दो एक टेबलस्पून मैंने लिया, एक दो टेबलस्पून, इसे अच्छे से हम चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे दबा दबा के। बिल्कुल भी गाठे नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी सी फ्लेम आप हाई कर सकते हैं। तो देखिए आप, दो तीन मिनट में मस्त एकदम से मिक्स हो गया है चावल का पेस्ट, दूध, घी, चीनी, तो ये बन गया हमारा मेन बेस। तो इसमें आपके मनचाहे फलों का फिरनी बना सकते हैं, लेकिन वो तो हम किसी भी सीज़न में बना सकते हैं। इस सीज़न में मैंगो अवेलेबल है, तो इसीलिए बन रही है हमारी ये मैंगो से स्वीट डेजर्ट स्वीट रेसिपी। जी हाँ, दाल चावल सब्जी रोटी के साथ इस तरह से स्वीट स्वीट मैंगो की बनी हुई थोड़ी सी हट के रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये बन गया हमारा मेन बेस। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। तो इसे हम ठंडा होने दिया है 10 मिनट के लिए। तो चलिए, ठंडा होने के बाद हम इसमें ग्लास में अब इसे प्रेजेंट करते हैं। इसकी मुझे लेयर चाहिए थी, तो इसीलिए प्लेन फिरनी मैंने सबसे नीचे डाली है। आप चाहे तो इसमें जो फालूदा की सिवैयाँ होती है बॉईल करके, वो भी ले सकते हैं एक दो टेबलस्पून। मुझे बहुत ही पसंद है फिरनी में सिवैया, तो इसके लेयर्स आ जाए, इसलिए मैं सबसे लास्ट में ये मैंगो की पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ कि जो ऐसे ऊपर दिखे। तो बस इसी तरह से बनाइए, और इसे रॉयल बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए चलिए और कुछ सामग्री ऐड करते हैं। सबसे ज़रूरी है इलायची पाउडर, जी हाँ, जिसे हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो एकदम ऐसे ताज़ा ताज़ा रहे, मुंह में घुल जाए। तो इसीलिए इसे आपके पास जो भी अवेलेबल हो, ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, टूटी फ्रूटी और मैंगो, मैंगो फिरनी है तो मैंगो के छोटे छोटे टुकड़े। तो बस प्रेजेंट है हमारी मैंगो फिरनी, हेल्दी विटामिन रिच डिश। जी हाँ, और मैंगो जो है वो अगर हमारा पेट खराब हो, पेट में जलन महसूस हो, तो उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तुरंत हमें ऊर्जा देने वाली ये दूध और मैंगो का कॉम्बिनेशन है, जो 101% बहुत ही बढ़िया है। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही हटके हमारी मैंगो की एक अलग डिश। तो इस तरह से ज़रूर आप बना के देखिए, बहुत ही पसंद आती है मुझे फिरनी। तो मेरा ये फिरनी बनाने का तरीका आपको कैसे लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए